अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एम इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये एक कैनन का इंसर्ट गीज़र है और ये पहले चल रहा था एलपीजी पे। एलपीजी बेसिकली सिलेंडर गैस होती है। लोकल आम सिलेंडर जो घरों में रीफिल किए जाते हैं, ये वो है और ये उसके साथ चलता था। अब ये उनके मीटर गैस का लग चुका है, गैस आ चुकी है और अब ये हमने इसको कन्वर्ट करना है गैस के साथ। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इसको गैस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये बहुत इजी है। मैंने एक वीडियो पहले भी है, मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर उसमें कोई ख़राबी भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। सिंपली मैंने आपको ये देखिए बताया था, ये अभी बता देता हूँ, ये समर और ये विंटर है और ये गैस फ्लेम का एडजस्टमेंट है। मिनिमम मैक्सिमम ये सेटिंग इसकी अपनी है। वाटर फ्लेम का जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम आप आहिस्ता तेज़ कर सकते हैं। ये हॉट एंड कूल, ये तीन ऑप्शन होती हैं इसमें। हम इसे ओपन करने के लिए आपको बताया था, ये एक स्क्रू यहाँ और एक यहाँ पेच लगे हैं, दो ऊपर लगे हुए हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं और इन नाब्स को ना हम बड़े इजीली ऊपर की तरफ यूं करेंगे, स्लाइड करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, खुल जाएंगे। और इसके बाद ये हम पेच खोलते हैं और ये स्ट्रेट सीधा करेंगे और ये हम ओपन कर लेते हैं इसको, फिर मैं बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। दोस्तों ये देखें, ये मैंने इसको ये उठा लिया है। अच्छा, ये इसके ऑन ऑफ का जो ये बटन है हीट एंड कूल, ये देख रहे हैं हम दोस्तों, इसका यहाँ पे एक जैक लगा है ये सामने। ये मैं जैक को हटा देता हूँ यहाँ से, ये इसका जैक है, इसे हम बड़े आराम से ये देख रहे हैं। ये एक स्टेप बना हुआ है, इसको यूं हम प्रेस करेंगे और वायर्स को ये खींचेंगे, ये आज़ाद होगी है। और ये हमारा कैप ऊपर वाली, ये देखें, ये कैप हमारी आज़ाद हो गई है। अंदर से कुछ ऐसी सिचुएशन होती है गीज़र की। ये इसका मैग्नेट सेंसर है, ये पहले भी मेरी वीडियो में बताया हुआ है, ये मैग्नेट सेंसर है इसका। इसके अंदर इस पाइप लाइन में मैग्नेट होता है। ये इसकी डिब्बी है जो मेन सेल्स की, और ये तीन लीवर्स हैं। ये आपको मैंने इसकी डिटेल ऊपर समझा दी है किस लिए है। ये गैस मैग्नेट वॉल है जो ऑन ऑफ करता है, गैस को चलाता है। ये मेन कंट्रोल डिब्बी है इसकी, कंट्रोल की, इसको कंट्रोल करती है। ये तीन इसके ये देखें, ये बर्न ये लगे हुए हैं, जेट हैं जो इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इसमें करना क्या है कि ये एलपीजी पे है, ये गैस सिलेंडर के साथ चलता था, अब हमने इसे नेचुरल गैस के साथ करना है। नेचुरल गैस के साथ करना है। नेचुरल गैस करने के लिए इसमें ये सामने बर्नर्स लगे हुए हैं, ये सामने दोस्तों देख रहे होंगे आप, इनको हमने बाहर निकालना है। सबसे पहले हमारे ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, हमने इनको ओपन खोलना है, आज़ाद करना है इसको यहाँ से। ये मैं दो स्क्रू ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जी दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिए हैं दो स्क्रू और ये देखें, ये आज़ाद हो गया, ये देख रहे हैं, ये एक साइड से आज़ाद हो गया है। दूसरी साइड से इसके हमने ये स्क्रू ओपन करने हैं। एक ये स्क्रू है और एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, उसके बाद एक ये है और एक वो सामने नीचे, हमने इनको ओपन करना है। हम इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और ये चार स्क्रू होंगे, इनको ओपन करने के बाद हमने ये एक, मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लेयर नट लगा होता है वो हमने खोलना है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये फ्लेयर नट ये ऐसे ओपन कर लेते हैं, हम इसको खोल लेते हैं। तो इसे मैं जरा जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। दोस्तों ये देखें, ये मैंने स्क्रू निकाल दिया, अलग कर दिया और ये चारों पेज मैंने ओपन कर दिए हैं। ये चार पेज हैं इनको, और ये सेंटर में दो पेज बताए थे मैंने, ये वाले हमने इनको आज़ाद कर लिए। और अब ये देखें,
ये हमारा बहुत ही इजी बाहर आ जाएगा यहाँ से। बस और हमें इतना ही इसको बाहर निकालना है। आपके हमारे सामने ये जेट आ गए हैं, ये हमारे जेट हैं और ये एलपीजी वाले हैं। इसको हमने नेचुरल पे करना है, तो अब हम इसको स्क्रू रेंच या चाबी की मदद से ओपन करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि आगे हमने क्या लगाने हैं इसमें। ये देखें, ये छः अदद हैं, इन छः को हम खोलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हमने करना क्या है इसके बाद। दोस्तों ये मैंने सामने कर दिए हैं और इसे अब हल्के हल्के हमने इसे लूज़ की है और ये स्क्रूड्राइवर की मदद से हम इसे ये देखें ये ओपन कर रहे हैं। खोल लिए हैं, इसमें ये होता है कि इसका ये होल बहुत ब्रीक होता है, जो हम लगाएंगे वो थोड़े से बड़े होल के होंगे। दोस्तों ये हमने छः अदद ये ओपन कर लिए हैं, अभी हम दिखाता हूँ मैं ये टोटल कितने हैं। और तो ये छः दिन हमने इसे ओपन कर लिए हैं और अभी हम इसमें नए लगाएंगे और नहीं कभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसमें ये होल खुला नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें उसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ये देखें ये एलपीजी जो होते हैं वो ब्रिक सुराख होता है और नेचुरल गैस का ज़रा सुराख खुला हुआ है। दोस्तों ये मैं इसमें टाइट करने लगा हूँ और ये देखें दोस्तों, ये हम इसे टाइट करने लगे हैं और टाइट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो चूड़ीज होती हैं वो प्रॉपर इसमें बैठी हों, अगर नहीं सही टाइट होंगी तो ये यहाँ से लीक होगी गैस। ये देखें दोस्तों, ये मैंने अभी टाइट करनी है इनको, तो मैं अभी सिर्फ होल अभी हम लगा रहे हैं, अभी देखते हैं इसको जो पड़ा। तो दोस्तों ये मैं इसी तरह ही टाइट करूँगा और इसको प्रॉपर फिर वापस हम इसको इसी तरह ही जैसे मैंने बताया था खोले थे, हम उसी तरह इसको टाइट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी होल बताए थे, ये खुले होल वाले हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।